हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पम्प। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हम देख रहे थे इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारी कमेंट आ रही थी जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो आज उन सारी कमेंटों का मैं आंसर दूंगा और मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो ये क्यों हो सकता है। तो सारी जिनकी जिनकी जो डाउटें हैं वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक हमें कमेंट करता हुआ देखने को मिला, जिनका नाम है मोहन सिंह अग्रवाल। उन्होंने ये लिखा है कि कंपनी के इस बार के नतीजे कैसे थे, क्या अच्छे थे या नहीं, उसके बाद भी अपर सर्किट में क्यों है ये। मतलब जब कंपनी का हम जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल हमें जो रिजल्ट देखने को मिला दिसंबर क्वार्टर का, हमें उनका रिजल्ट उसमें अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से ही कंपनी 300 को क्रॉस करके फिर 350 का लेवल पे ये ट्रेड कर रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, मैं हम भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि अभी तक इनका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। और यही नहीं, इनका जो बिजनेसेस है काफी ज्यादा बड़ा बिजनेसेस है। इनका एक बिजनेस नहीं है, 6 से 7 बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। और इनके साथ साथ इनका जो अट्रैक्शन पावर है, क्योंकि बिजनेस जितना इनका स्ट्रांग होगा ना, भले ही वो आज हमें स्टार्ट होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में डालता है पैसा वही तो बाद में जाके कमाता भी है। और इन सारे लोगों को मालूम है कि ये कंपनी किसकी है और जो इनका बिजनेस है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, कोई भी हमें फेल होता हुआ बिजनेस नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत सारी रीजन है इसके कारण कह सकते हैं दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 350 का लेवल भी ये कम है, ये हमें 400 का लेवल के पार देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। तो ये एक कारण है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन तब पर भी हम कहेंगे दोस्तों कि इनका जल्द से जल्द जो बिजनेस स्टार्ट होगा ये 400 नहीं 500 भी पार करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आप जिनके पास भी आप आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि इनका है 291 के भाव पे 3300 शेयर इन्होंने लेके रखा है। सोच सकते हैं दोस्तों 291, मतलब इनको कितना ये बिलीव होगा कि ये शेयर जो है 500-400 पार करेगा आराम से। लेकिन अभी इनकी हम बात करें दोस्तों, अभी रिसेंटली तो 60 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है पर शेयर पे। तो सोचिए कितना का इनका प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इनका क्या इसे बेच के निकल जाना चाहिए कि ये अभी होल्ड करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों मैं बोलूंगा अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा कि अभी आप होल्ड कीजिए, क्योंकि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा ये 400 का लेवल आराम से पार कर सकता है। तो आपको जहां अभी प्रॉफिट दे रहा है 60 रुपीज, वहां आपको 100 रुपीज पर शेयर देगा, तब आप हमें मुझे लगता है कि आप 50% शेयर को आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बोलूंगा अभी आप होल्ड कीजिए और इस पे आराम से आप स्टे कर सकते हैं। और जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अभी जो हमें लेवल देखने को मिला 356 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो फिर बात ये उठता है दोस्तों कि क्या ये शेयर कभी फिर वापस से जिस तरह से हमें पहले देखने को हल्ला होता हुआ देखने को मिला था कि क्या ये 180 का लेवल जा सकता है जिस तरह से गिरावट चल रही थी, उसी तरह एक हमारे हैं मार्केट एनालिस्ट 5021, इनके तरफ से पूछा गया कि क्या हमें 150-161 के जियो पे भाव में देखने को मिल सकता है, क्या इस पे लोग खरीदना पसंद करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात ये 150 और 160 का लेवल तो अब तो नहीं जाएगा, ये चांसेस ही नहीं है, 1% भी चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रहा, या कहे या पूरा पूरी तरह से मार्केट क्रैश होगा तब पर भी ये 220-230 का लेवल, 230 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये अब तो 150-160 पे तो आपको नहीं मिलेगा। जिनको मिलेना था उन्होंने 202-210-220 के आसपास लिया और आज उन्होंने अच्छे लगभग 150 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अभी भी यही नहीं, वो आगे भी हमें इसी तरह का प्रॉफिट कमाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूंगा वो तो प्राइस अब लेवल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से गिरावट आती है 356 का लेवल जिस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो जाएगा यहाँ पे 320-310 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से ये गिरता है तब। नहीं तो ये 400 का लेवल हमें नेक्स्ट ये अप्रैल का सेशन में ही हमें देखने को मिल सकता है। तो बात ये उठता है दोस्तों, जब ये 400 का लेवल में दिख सकता है तो मार्केट इतने उठने के बाद भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों नहीं उठ रहा है? देखिए दोस्तों, हर एक समय का एक टाइम होता है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो स्मॉल कैप ज्यादा उठता हुआ देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा उसमें हमें देखने को, यहाँ लार्ज कैप अभी भी अपने एक लिमिट में ही ट्रेड कर रहा है। तो हम कहेंगे जियो फाइनेंशियल
लार्ज कैप के अंदर आता है और इसी कारण से अभी ये शांत है। जैसे ही हमें लार्ज कैप में फिर से अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जियो फाइनेंशियल 400 का लेवल जल्दी पार कर सकता है। एक का क्वेश्चन है इनका, नारायण छत्री का, कि अब तो हमें नेक्स्ट मंथ 500 प्लस देखने को मिल सकता है, मतलब अप्रैल के सेशन यानी इस मंथ हमें 500 प्लस देखने को मिल सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, 500 तो देखने को नहीं मिलेगा ये मंथ, ये तो मैं कंफर्म कहूंगा, लेकिन आपको 400 के पार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मंथ आईपीएल भी चल रहा है इनका और एक दो बिजनेसेस हमको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। अगर न्यूज आ गई इनका म्यूचुअल फंड का या क्लियर समझ गए कि मैंने जो जो डाउटेड थी मैंने आपको क्लियर करा। इसी तरह से अगर आपको फिर से कोई डाउट हो रहा होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो में डाल रहा हूँ इसी पे आप कमेंट करें, मैं इसका रिस्पांस आपको विद इन वन डे वन टू डेज के अंदर ही आपको दे दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, मैंने आपकी सारी बातें जो जो सुनी और मैंने आपको टीम के साथ रिसर्च करने के बाद ही पता लगाया कि इसके आगे क्या होना चाहिए था। आज के लिए इतना ही दोस्तों।